शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीते दिन तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। दर्दनाक हादसे में आगरा ने अपने जाबाज लाल विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को भी खो दिया, जिससे पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। तो वहीं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार को सांत्वना देने यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे आगरा पहुंचे। डिप्टी सीएम ने विंग कमांडर के पिता सुरेंद्र सिंह चौहान से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। यूपी के डिप्टी सीएम ने विंग कमांडर के पिता सुरेंद्र सिंह चौहान से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम और हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की। जैसा कि विदित है कि बीते बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य स्टाफ की मौत हो गई। वहीं इस हेलीकॉप्टर को आगरा के सरन नगर निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान उड़ा रहे थे, वह भी हादसे में शहीद हो गए। हादसे के बाद शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर में कोहराम मचा हुआ है। पिता सुरेंद्र सिंह, माँ सुशीला देवी, बहन और रिश्तेदारों का हाल बेहाल है। सभी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की असमय निधन ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। मुझे आज आगरा में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया और परिवार के पास आए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि सूचना के आधार पर आज शाम तक शव आने की संभावना भी है। हम सब इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं। हेलीकॉप्टर हादसे में किसी साजिश की संभावना पर उन्होंने कहा, आप लोग भारत की सेना पर गर्व करिए और भरोसा रखिए। हालांकि इस मामले पर कुछ बोलना सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझिए कि अगर भारतीय सेना के साथ कोई साजिश होती तो क्या सेना उसे छोड़ देती। बिपिन सिंह रावत जी और हमारे कई जैसे भी हमारे विंग कमांडर आगरा के ही बेटे पृथ्वी सिंह चौहान जी सहित 13 लोगों के देश के लिए सर्वोच्चतम बलिदान देने का जो समाचार आया, वह मैं समझता हूं कि पूरे देश को स्तब्ध करने वाला रहा है। आज मुझे भी चूंकि आगरा में कार्यक्रम पहले निर्धारित था, वह कार्यक्रम रद्द करके हम सब यहाँ सीधे परिवार के पास आए हैं। यद्यपि कोई परिवार का कोई सदस्य कहीं मतलब किसी बलिदान हो, चाहे किसी रूप में जब जाता है तो उसका पूरे परिवार को दुख होता है, लेकिन इस परिवार के, इस आगरा के धरती के वो पुत्र थे, लेकिन पूरा देश आज उनके सर्वोच्च बलिदान से और जो हमारे सभी 13 चाहे वो विंग कमांडर या सेना के कोई अधिकारी अफसर, सबको लेकर के दुखी है। और हम सब लोग, जैसी सूचना है, देर शाम तक उनका शव यहाँ पर शरीर जो है पहुँचेगा। और चूंकि पृथ्वी सिंह विंग कमांडर जी का परिवार देश के लिए सेना के माध्यम से और पूरा परिवार हमारी पार्टी के साथ भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ा रहा है, और हम सब आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े हैं, इस समय इतना ही मुझे कहना है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।